नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो, जो कि है इलेक्ट्रिक हैंडहेल्ड कुकिंग हैमर, जिसे आप फूड चॉपर या फूड ब्लेंडर भी कह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अनबॉक्सिंग के साथ साथ उसका ऑनेस्ट रिव्यू भी दूंगी। ये 4-in-1 पोर्टेबल इलेक्ट्रिक वेजिटेबल कटर सेट है। इस मल्टी फंक्शन चॉपर को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कैटलॉग मिलता है, एक जार मिलता है, और ये रहा हमारा जो मेन हैंडल है, जिसमें चॉपिंग वगैरह का भी जार एडेड है ब्लेड के साथ। ये रहा USB केबल, और ये है हमारा जो वेजिटेबल हम लोग डालते हैं तो पुश करने के लिए, और ये कैप दिया है जार में लगाने के लिए, और ये लास्ट में एक और ब्लेड। तो आपको इसी के साथ दो ब्लेड्स मिलते हैं और एक स्पैटुला मिलता है। दो ब्लेड्स आपको हेल्प करेगी एक चॉपिंग करने के लिए, एक स्लाइसिंग करने के लिए। अब यहाँ पे आपको जो USB मिला था वो कुछ इस तरीके से होगा, तो मैं उसे खोल रही हूँ इसकी लेंथ देखने के लिए। तो ये जो हमारा USB है वो कुछ इस साइज़ का होगा। हमें USB को यहाँ पर जो पोर्ट दिया है उसे इसमें लगाना है, तो आपको इसे डायरेक्टली स्विच में लगा के करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे चार्ज कर लेना है। चार्ज करने के बाद आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने USB केबल को लगा दिया है। यहाँ मेरे पास एक चार्जर था, उसके अडेप्टर में मैंने इस USB केबल को लगा दिया है और फिर स्विच को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ रेड कलर की लाइट जल रही है, यानी कि अभी चार्ज नहीं हुआ है। आपको इसे चार्ज करना है जब तक ये रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट ना हो जाए, फिर स्विच को ऑफ कर देना है जब ये अच्छे से चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे जब मैंने USB को उस पोर्ट में कनेक्ट किया था, तो मेरे साथ एक इशू हुआ था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मैं वो USB का पोर्ट निकालती थी तो पीछे का इसका पूरा पार्ट निकल जाता था, और मुझे जब ये मिला था तो ये बहुत ढीला था। तो इसे हमें जब आपको यूज़ कर लेना है इसे इस तरीके से बंद कर देना ताकि डस्ट वगैरह इसमें कुछ जाए ना। तो मैंने इसे करीब 2 से 3 घंटे के लिए चार्जिंग में लगाया था, और फिर मैं यहाँ पर ब्लेड अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो हमें ब्लेड को कुछ इस तरीके से सेट करना है कि जो उसका पार्ट है ना ऊपर वाला, जो थोड़ा सा उभरा है वो ऊपर रहे, और फिर ये जार इसे कनेक्ट कर देना है गोल घुमा के। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक पावर बटन दिया है, उसे ही प्रेस करके हमें चॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक गाजर स्लाइस करके दिखा रही हूँ। मैंने जब यहाँ पर गाजर को इंसर्ट किया तो ये अच्छे से कट नहीं रहा था, बहुत हमने ट्राई किया था मगर वो कट नहीं रहा था। तो एक्चुअली इश्यू क्या आया था जो हम लोगों ने देखा, शायद ये चार्ज नहीं था अच्छे से, ये इतना इसका जो मोटर है वो कैपेसिटी ले नहीं पा रहा था। हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया 2 घंटे 3 घंटे बार बार चार्ज करके, तो गाजर स्लाइस करने के बाद कुछ इस तरीके से स्लाइस हो रहा था, तो काफ़ी इश्यू आया था हम लोगों को। एक सेकेंड के लिए हम लोगों को लगा कि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि मैंने इसे 800 रुपीज़ में परचेस किया था और ये बिल्कुल काम का नहीं था। बहुत ट्राई करने के बाद हमें पता चला कि ये जो हमारा मिनी हैंड चॉपर है वो अच्छे से चार्ज हो नहीं पा रहा है, ग्रीन लाइट जल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो बैक पोर्ट है उसका, वो उस वहाँ पे जो वायर था वो अलग हो चुका था, जिसकी वजह से पावर सप्लाई जा नहीं पा रही थी इस मशीन में। तो जैसे ही मैंने वायर को अच्छे से कनेक्ट किया, चार्जिंग में लगाए, हार्डली 1.5 से 1 घंटे में चार्ज हो गए थे, और ग्रीन लाइट में जो उसकी रेड लाइट है वो ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो चुकी थी। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कुछ डिटेल्स जो बॉक्स पर लिखे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हैंडल्ड कुकिंग हैमर है इसका नाम, और ये फूड चॉपर है, और इसकी पैकेजिंग ग्रीन कलर के बॉक्स में की गई थी। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि हमें फिर से ब्लेड कैसे लगाना है, और ये बॉडी है, ये हैंडल है, और ये रहा जार, इसके जो कैप है इसको हमें निकाल देना है, क्योंकि वही स्पेस है जहाँ से वेजिटेबल स्लाइस होके आएगा। और ये ब्लेड हमें यूज़ करना है साथ में, जब आपको कोई चीज़ स्लाइस करनी है तो आपको जो स्लाइसर का ब्लेड है ना वो कुछ इस तरीके से लगाना है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्लाइसर का ब्लेड है वो स्टेनलेस स्टील से बना है, आपको इसे अच्छी तरीके से फिट कर लेना है इस जार के साथ, और ये आपका पावर बटन काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक गाजर स्लाइस करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज वाला गाजर लिया है, और मैं यहाँ पे अंदर ऐड करके पावर बटन को प्रेस कर रही हूँ, मगर ये स्लाइस नहीं हो रहा है। मे बी वो मोटा था इस वजह से वो स्लाइस नहीं हो रहा। अब मैं आपको यहाँ पे एक लाल मिर्ची स्लाइस करके दिखा रही हूँ। जो रेड चिली हमें कुछ इस तरीके से इस होल में डालना है और पावर बटन को प्रेस करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही पतली पतली स्लाइसेस हुए हैं इस मिर्ची के,
अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च भी स्लाइस करके आपको दिखा देती हूँ। फिर हमें इस होल में मिर्च को डालना है, पावर बटन प्रेस करना है। और यहाँ पे आई डोंट नो कि क्यों ऊपर का जो पार्ट था वो स्लाइस नहीं हो रहा था, चाहे वो ग्रीन चिली हो चाहे वो रेड चिली हो। अब मैं आपको यहाँ पे स्प्रिंग अनियन स्लाइस करके भी दिखा देती हूँ। स्प्रिंग अनियन को भी हमें उसी होल में डालना है, पावर बटन प्रेस करना है, और ये बहुत अच्छे से स्लाइस हो रहा था। मैंने ऑनेस्टली कभी भी स्प्रिंग अनियन को इतने पतले स्लाइसेस में कटते नहीं देखा है, मगर फिर भी लास्ट में भी जो उसके पत्ते होते हैं वो सॉफ्ट थे, तो वो भी वो इसमें कट नहीं रहे थे, मगर बाकी के जो स्टार्टिंग के जो प्याज वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे से स्लाइस हुए। अब जो स्पैटुला हमें मिला था उसकी हेल्प से हम इसमें लगे हुए जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन्हें निकाल लेंगे। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। अब मैं आपको इसमें मूली स्लाइस करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना फटाफट से ये मूली स्लाइस हो रहा है। बट जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, वो ये है कि इसमें आप बड़े वेजिटेबल्स नहीं डाल सकते, मूली हो या गाजर। आपको उसे हाफ या फोर पीसेस में कट कर लेना, फिर ही आप स्लाइस कर सकते हैं उसे। और मूली में मुझे ऐसा केस देखने को मिला कि लास्ट का जो पार्ट है वो फिर कट नहीं हुआ था और वो ब्लेड के साथ फंस जा रहा था। अब जैसा कि ये मिनी फूड चॉपर का खासियत है कि ये 4-in-1 फूड चॉपर मशीन है, तो मैं इसीलिए आप सभी को यहाँ पे हर चीज़ स्लाइस करके दिखा रही हूँ, चाहे वो मूली हो, गाजर हो, स्प्रिंग अनियन हो, ग्रीन चिली हो, तो जिससे कि पता चले कि वाकई में 4-in-1 है कि इसका नाम बस 4-in-1 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मूली को बहुत अच्छे से स्लाइस किया, मगर लास्ट में हमें एक इश्यू देखने को मिलता है कि मूली जो है लास्ट में अच्छे से कटती नहीं है, लास्ट वाला पार्ट रह जाता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि अगर आप गाजर, मूली जैसी हार्ड चीज़ें कट कर रहे हैं तो आपको उसे या तो दो पार्ट में कट कर लेना है, चाहे दो पार्ट में कट करिए चाहे चार पार्ट में कट करिए, तभी अच्छे से कट होगा, वरना मूली का या गाजर का लास्ट वाला पार्ट या जहाँ से वो मोटा है वो नहीं कटेगा। तो अगर आपको गाजर या मूली स्लाइस करना है तो पहले आपको इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है और फिर इसे स्लाइस करना है, तभी जो आपके गाजर या मूली हैं अच्छे से कटेंगे। इस चॉपर में आपको बहुत ही कंफर्टेबल ग्रिप मिलेगी जिससे कि आप इसे इजीली पकड़ सकते, काम कर सकते हैं। इस मिनी फूड चॉपर में 10 वॉट यूज़ होता है। ये मिनी चॉपर बहुत ही पोर्टेबल है, इसी वजह से आपका टाइम भी रिड्यूस कर देता है। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो बहुत फटाफट से ये चॉपिंग कर देता है, ये ऐसा बताया गया है बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या इशू मुझे मिले थे जो नहीं कट रहे थे ब्लेड से। तो अभी ये स्लाइसिंग वाला पार्ट तो हमारा हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गाजर है वो कैसे कटा है, और ये वाला गाजर तो मतलब कटा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटा, तो ये तो मैंने बिल्कुल ही साइड में रख दिया। अब मैं यहाँ पे आपको चॉपिंग करके दिखा रही हूँ। तो चॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे डाली है हरी मिर्च, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ और थोड़ा सा टमाटर कट किया हुआ। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं यहाँ पर डाली हूँ थोड़ा सा कटा हुआ गाजर और थोड़ा सा प्याज। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें इस मशीन को या मिनी चॉपर को इस चॉपर के ब्लेड और जार से कनेक्ट करना, पावर बटन दबानी है, और ये बहुत ही अच्छे से चॉपिंग करता है। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये चॉपिंग वाला पार्ट बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही पतला पतला वेजिटेबल अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर देता है। यहाँ तक कि ये काम करने में ही फास्ट नहीं है, अगर आपको इसे साफ़ करना भी है तो आप इसमें पानी डाल करके पावर बटन जब दबा देंगे तो ये अपने आप आपका जो जार है वो साफ़ हो जाएगा। यानी कि जब आप चॉपिंग कर लेते हैं, उसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और अगर आपको इस जार को साफ़ करना है, आपको बस पानी डालना है, पावर बटन दबाना है, और आपका जो जार है वो साफ़ हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ चॉपिंग कितनी अच्छी तरीके से हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही मिनटों में हुआ है, हार्डली 8 से 10 सेकेंड लगे हैं, या मेरे ख्याल से उससे भी कम लगे हैं, 6 से 8 सेकेंड लगे हैं ये चॉपिंग करने में। गाजर हमने जैसे स्लाइस किया था मैं आपको दिखाई देती हूँ, यहाँ पे काफ़ी पतले पतले स्लाइसेस हुए हैं, मगर हाँ ये लास्ट वाला पार्ट नहीं हुआ है स्लाइस। और यहाँ पे गाजर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से स्लाइस हुआ है, काफ़ी पतले पतले स्लाइसेस हुए हैं, मगर हाँ इसमें भी लास्ट वाला जो पार्ट है वो नहीं हुआ, वो ब्लेड में फंस गया था और उसके आगे उसकी स्लाइसिंग नहीं हुई है। हेल्थ एंड सेफ्टी वाइज ये चॉपर बहुत ही अच्छा है। इस चॉपर और स्लाइसर को यूज़ करके कभी भी आपको प्याज काटने में आंसू नहीं आएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं स्प्रिंग अनियन का जो लेयर है, एक एक लेयर बहुत ही पतले से कटा है, बहुत ही अच्छी तरीके से स्लाइसिंग हुई है इस स्प्रिंग अनियन की। इसके ब्लेड्स काफ़ी शार्प हैं जो कि आप देख सकते हैं, इसीलिए इसकी जो स्लाइसिंग हुई है बहुत अच्छे से हुई है। और इस चॉपर की हेल्प से आपका हाथ या उंगली भी कटने का बिल्कुल डर नहीं है, और आपको जो वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से कट करते हुए मिलेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही पतली स्लाइसिंग हुई है यहाँ पर हरी मिर्च की भी और लाल मिर्च की भी,
और दूसरी बात, ये जो हमारा मिनी मल्टी फंक्शन चॉपर है वो रिचार्जेबल है, तो आपको इसके लिए लाइट पे भी डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस यूज़ किए हुए जार को बहुत ही ईजिली धुल सकते हैं, मगर यहाँ पे जो ब्लेड है उसमें स्पेस काफ़ी कम दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लाइसिंग बस पतली होती है और जहाँ पे भी पार्ट मोटा आ जाता है वो आगे स्लाइस नहीं करता है। मोटा पार्ट आने के बाद वहीं पे स्लाइसिंग रुक जाती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है इस मिनी चॉपर का। और यहाँ पे ये तो है कि ये पोर्टेबल, आप इसे ईजिली पकड़ सकते हैं। ये जो हैंड हेल्ड वेजिटेबल स्लाइसर है ये ABS का बना हुआ है। यहाँ पर ABS का मतलब होता है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। तो जो मेन बॉडी है चॉपर की वो ABS से बनी है। ये लो कार्बन लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी कि ये आपको ग्रीन हाउस गैसेस से बचाता है, चाहे वो केमिकल हो, पॉल्यूशन हो, और आपके रिसोर्सेज को बचाता है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं, जो भी मटेरियल्स यूज़ हुए हैं इस मिनी जार या मिनी चॉपर को बनाने के लिए, बहुत ही हेल्दी हैं प्लैनेट के लिए और आपकी हेल्दी लाइफ जीने के लिए भी। अब यहाँ पे बारी आती है मेरी ऑनेस्ट रिव्यू की। तो यहाँ पे मैं अगर इसकी अच्छी बातों पे ध्यान दूँ तो मुझे इसकी स्लाइसिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जितना पतला ये स्लाइस करता है वेजिटेबल या फ्रूट, उतना पतला स्लाइस मुझे नहीं लगता कोई भी मिनी चॉपर कर पाएगा, वो भी इतने कम सेकेंड्स में, और वो भी जो कि ये रिचार्जेबल है, आपको पावर पे बिल्कुल भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब बात आती है हार्ड चीज़ों को स्लाइस करने की, जो कि मोटे होते हैं, वो होल में जो नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि हमें उस टाइम जितना काम फास्ट होता है उतना ही बीच में वो रुक जाता है, क्योंकि हमें क्या है जो लास्ट में जो मोटा पार्ट बच जाता है, जो स्लाइस नहीं हो पाता, उसके लिए हमें टेंशन बढ़ जाती है कि अब हमें उसे उसी तरीके से हाथों से चॉप करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से हम लोग का काम आसान नहीं करता है। इसकी ब्लेड शार्प है, इस वजह से ये इतनी अच्छी स्लाइसिंग करता है। प्लस अगर हम लोग कोई चीज़ चाकू से कट करते हैं वो बहुत शार्प होती है, तो हाथ कटने का काफ़ी डर होता है, तो इसके लिए ये काफ़ी सेफ़ है। आपके हाथ वाथ कटने की कोई दिक्कत नहीं होंगे स्लाइसिंग मशीन से। आपको प्याज लहसुन काटने में भी आंसू बहाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, ये मुश्किल से 6 से 7 सेकेंड में आपका काम आसान कर देंगे। यहाँ पर पर्सनली मुझे एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और वो है इसका वर्किंग टाइम। आप इसे कंटिन्यूसली 30 सेकेंड्स के लिए चला सकते हैं, मगर 30 सेकेंड्स के बाद ये काम नहीं करेगा। आपको इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि जो इसका मोटर है वो कूल हो जाए। और मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसकी बैटरी बहुत जल्दी लो होती है। इस प्रोडक्ट में ये तो खास है कि ये एक बटन से आपका मशीन बहुत ईजिली क्लीन कर देता है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत सेफ़ है, आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेफ़ है, ये आपके चॉपिंग स्टाइल को ईजी कर देता है। मगर जब इसमें कोई सब्ज़ी या कोई भी हार्ड पार्ट जब बीच में अटक जाता है, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट मुझे इसकी एक फ़ीचर जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, वो ये है कि हम इसे 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। यानी कि ये भले ही फास्ट चॉपिंग करता है, मगर अगर आपको ढेर सारा वेजिटेबल कट करना पड़ेगा तो आपको हर 30 सेकेंड्स पे रुकना पड़ेगा, जो कि आपका टाइम वेस्ट करेगा। और यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये देखा है कि बहुत ही इजीली डिस्चार्ज हो जाता है, और जब आप इसे चार्जिंग में लगाते हैं तो आधे घंटे में तो चार्ज हो जाता है, मगर ये डिस्चार्ज मुश्किल से 10 मिनट यूज़ करने के बाद ही ये डिस्चार्ज हो जाता है। और मैं आपको ये भी मेंशन करना चाहती हूँ कि ये मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें उन लोगों से जिनको इसकी नीड है, जिन्हें इस मशीन की या इस चॉपर की रिव्यू देखनी है। साथ ही में आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चंस हो, वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नई अनबॉक्सिंग या रेसिपी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।